यूपी के हरदोई में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये घटना हरदोई शहर के सिनेमा चौराहे की है, जहां एक नाबालिग अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था। खास बात यह है कि कार की ड्राइविंग नाबालिग ही कर रहा था। सिनेमा चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब कार रोकने का इशारा किया तो नाबालिग घबरा गया और कार से नियंत्रण खो बैठा। कार सीधे सिपाही के पैरों पर चढ़ गई, जिससे सिपाही के पैर में चोट लग गई। कार को सिपाही के पैर पर चढ़ता देख साथी पुलिसकर्मियों ने कार पर डंडा मारा, जिससे कार का शीशा टूट गया। जबकि कार मालिक का आरोप है कि पुलिस ने कार का शीशा जानबूझकर तोड़ा। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। यहाँ वाहन चेकिंग का स्टेशन के आदेशन कार चल रहा था, तो यहाँ मैं ड्यूटी पे तैनात था, तो इनकी कार आई और कार आने के बाद मेरे पैर पे पहिया चढ़ा दिया पीछे वाला। तो चढ़ाने के बाद गाड़ी रुक गई, तो मैं चिल्ला रहा हूँ गाड़ी हटाओ, ये नहीं चला रहे। तो थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ी तो ये आगे जाके खड़ी की करवाई मैडम, समझा मैडम ने। तो 17 साल का लड़का, इनका एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था जिसमें लाइसेंस भी नहीं है, प्रूफ नहीं है, वो गाड़ी चला रहा था। तो आगे की कार्रवाई मैम कर रही है। कोई घटना नहीं, साइड से निकल रहे थे किसी कारण पिछला वाला पहिया सिपाही के टच हो गया, उन्हें पीछा डंडा मार दिया, पीछा टोक दिया। फिर क्या हुआ, अब क्या कार्रवाई हो रही है? तो क्या कार्रवाई होगी, चला कौन रहा था? चला भाई रहा था। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।